परमेश्वर कीर्तिनां गरिणां शक्तिनां च ते गोराशे सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वांदो निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलाक ज्योतिमात्प्रमेयं त्वमाक्षरं परमं वेदि गव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निराळं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मलोका सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य मनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुत शवत्वं स्वगे स्वविदं अवान्तं द्यावाग्विधेयो जिदमान्तरं हि व्याप्तं त्वयैके न दिशस्य सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमोग्यन्तवेदम् लोकत्रयं प्राज्ञभितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घाय सन्धि केचिन्मे प्राञ्जलयन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसम्भा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः कोशलाभि रुद्रादित्या वसवो ये स साध्या विश्वेष्णो मरुत सोष्णाश्च सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मितास्यैव सर्वे सानिशीकेशतवप्रकीर्त्या जगत्प्रशिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीता प्रीतिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा कस्माच्च गरीयसे ब्रह्मणो प्रादिपते अनन्तदेवे सजगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तरङ्ग त्वमाधिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य ईश्वरस्य परं विधानं भीता श्रीवेद्यं च परं च धाम त्वया कृतं एष मनन्तरूपा वायुर्यमो मे वरुणशशाङ्क प्रजापतिस्त्वं
पितामहस्य नमो नमस्ते सुसहस्रदे पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तारकपृष्ठदस्ते नमोऽस्तु ते सर्वदैव सर्वानन्तवीर्यानिकविक्रमस्त्व सर्वं समाधितो हि सर्व सघेति मात्वा सर्वं यदुक्तम् हे कृष्ण हे राघव हे सखेति अजानतामहिमान अवेदं मया प्रमादप्रणयेन भावि यच्चावासार्थमशक्तिदोषि हैया सर्वोजनेषु एकोत्रात्यस्युतसमचं तच्छामयित्वा महमप्रमेयम् पितासि लोकस्य सरासरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्नात्वस्तमोऽस्त्यधिककुतोऽन्यो लोकप्रेत्यप्रतिमाप्रभावस्मात् प्रणम्य प्रणिधायकायं प्रसादयित्वा महमीशमीयं सखेव सख्यो प्रियः प्रियायासि देवसोऽहं अहमेव माता त्वमेव त्वमेव बन्धु सुखा त्वमेव त्वमेव नित्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव राम। श्री गीता जी का पाठ 9वां अध्याय श्लोक संख्या 11 से 22 तक। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुरमादनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अवजानन्ति मां मूढा मानुषेन्द्रनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघासामोघकर्माणि मोघज्ञानाविशेष राक्षसीमासुरीं सैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्यमनसो त्वभूतादिमाद्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तस्तदृढव्रता
नमस्यन्तस्य मां भक्त्यानित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन साप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्तेन बहुधावेश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञस्मृधाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहूतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वैद्यं पवित्रमङ्करीक्षामयगुरेवच गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुरे प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहर्षं निगृह्णाम्यत्रिजामि च अमृतं चैव मृत्योश्च सरसत्साहमर्जुन चैविद्या मां सोमपापूतपाप यज्ञीरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ति श्रीपुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक न सन्ति दिव्याङ्गिरिदेवलोक ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे कोले मर्त्यलोकौ विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकाम लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् वसुदेवसुतं देवं कंसचारुरमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरणं Hare Sharanam.
राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2056 30 जनवरी सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे जेबी नगर मुंबई। राम। बात है सदा ही वही बात है, कोई नई बात तो कहां से लावे। परमात्मा है रूप से, संसार नहीं रूप से, वही तो बात है। है रूप से परमात्मा है रूप से, वो अखंड है, कभी विनाश होता ही नहीं, कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं है। और है रूप से, है रूप से जो संसार नीता है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, कीट है, पतंग है, ईंट है, चूना है, पत्थर है, लोहा है, आदमी है दीता है परमात्मा है। और नहीं ये संसार है। संसार में भी है अपना दीता है, उसी का है अपना, उसी परमात्मा का ही है। संसार खुद का नहीं है, खुद तो एक क्षण भी ठहरता नहीं, हरदम नाश होता है। जैसे गंगा जी की धारा बहती है, बहती रही, रात में देखो, दिन में देखो, सुबह देखो, शाम को देखो, छिप कर देख लो, थोड़े देख लो, वो तो बहती रहती है। क्यों ये संसार सबका सब ही अभाव में जा रहा है, छोटी बड़ी सब चीजें हरदम अभाव में जा रही, हरदम निरंतर। तो अभाव में जा रही, पहले अभाव था और फिर अभाव होगा, और वर्तमान में अभाव में जा रही है। तो अभाव ही मुख्य है इसका, ना सुनो विद्यते भाव अस्त भाव विद्यते, अस्त की सत्ता विद्यमान नहीं है, परमात्मा है। ना सुधो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत, सत भाव अभाव न विद्यते। सद वस्तु का अभाव नहीं होता, सद है ही है। तो नहीं में रहना बंधन और है में रहना मुक्ति, ये बात है। नहीं को महत्व देना है, नहीं को विशेषता देनी है, ये बंधन है। और नहीं को नहीं माना है, को है मान कर है में सिद्ध होना, इसका नाम है मुक्ति। बंधन से छूट गए, छूट गए। जिससे छूटते हैं वो अभाव रूप है ही पहले, और उससे छूटे हुए है, अब भी छूटे हुए है। और है जिसमें स्थित होना है, उसमें स्थित अभी भी स्थित ही है, उसी में स्थित है। जिसमें स्थित होना है उसमें स्थिति अभी है, अभी भी। और जिससे अलग होना है उससे अभी अलग ही है, अभी भी आपसे अलग है वो। जिससे हम आए, आए घर बैठे तो शरीर अलग हो गया हमारे से, अभी 21 मिनट हो गए, तो ये शरीर हमारे से अलग हो रहा है। जितनी जितनी उम्र आ रही है उतना शरीर से अलग हो गए, इधर शरीर मर गया, ये नाश होने वाला नाश हो गया। आप अविनाशी में स्थित है, अविनाशी भी स्थित है, उसी में स्थित होना है, उसी में स्थित है। और ये नाश होता है, नाश में स्थित है, तो नाश होता है। अपनी मान्यता में गति है, वस्तुओं में गति नहीं। वस्तुओं में तो
जो होना चाहिए वो है और नहीं होना चाहिए वो नहीं है, दोनों भीतर है, इसी क्रम में है सब सब का सब। हमारी मान्यता में होती है, नहीं को तो है मान रहा है को नहीं मान रहे हैं। जो संसार की वस्तु है उसको तो अपनी माना है, जो अपनी वस्तु है उसको उसी तरफ ख्याल नहीं है, उनको दूसरे की माना ऐसा नहीं, दूसरे ख्याल नहीं है उसका, एक ही माना है कि ख्याल नहीं है, वो तो निरंतर है, उसमें है फर्क पड़ने सर्गे पे नो बसाए प्रलय ने पचन दिश महासर्ग में भी पैदा नहीं होते, महाप्रलय में भी नाश नहीं होता, वो स्वर्ग और प्रलय हो, महासर्ग और महाप्रलय हो, और मरो कोई जन्म हो, कोई जीव और कोई मरो, वो तो है जो मच हो जाता है, उसमें स्थिति सबकी अटल है, अटल स्वभाव, जिसमें स्थिति नहीं हो जाए उसका निरंतर नाश हो रहा है, ये है वैसी वैसी स्थिति सबके लिए, ख्याल नहीं है, ख्याल करना करना नहीं, ख्याल करना के वही ख्याल करना है, तो है सो है सदा सुंदर, है सो सुंदर है सदा सुंदर, है सुंदर ना है, नहीं है सुंदर ना है, नहीं सो पर देगी है सो दिखे ना है, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, पर नहीं सो पर देगी, नहीं है वो पर दिखता है सो दिखे ना है, वास्ते परमात्मा है ये मान लें, वो हमारा है, ये नहीं है ये हमारा नहीं है, ये कह दो सुन दो बात वैसी नहीं है, वो हमारा है, रुपये हमारे है, रुपये हमारे मकान हमारा जमीन हमारी ये सब संसार हमारा कुटुंब हमारा, और ये हमारा ये अगर 100 वर्ष पहले हमारा था नहीं, 100 वर्ष के बाद हमारा रहेगा नहीं, पक्की बात है, और जो हमारा था वो हमारा ही रहेगा सदा ही, अब भी हमारा ही है वो, दृष्टि नहीं है, दृष्टि नहीं है उस तरह भी है, केवल दृष्टि बदलने दृष्टि, ये जो ममई वांश हो जीव लोग मेरा अंश है, इस बात को सच्ची मान रहे हैं कि भगवान के अंश है, सब 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 हम भगवान के अंश है, और ये मन सोचा प्रगति नहीं प्रगति मिलते है, ये सब प्रगति का विभाग है, हम परमात्मा का विभाग है, दो विभाग करने पहले से अलग अलग, हम तो सदा रहने वाले हैं और ये सदा ही बहने वाला है, हमारा है ही नहीं, ये बहने से काम है, सर्ग अवस्था में बहता है, प्रलय अवस्था में बहता है, ये बहता ही रहता है, श्रीमद बोले की परमात्मा रहता ही रहता है, वो रहता ही रहता है, रहता और बहता है, बस है वो हमारा है, हमारा है, हमारा है, हम है, प्रत्यक्ष बात है, इस चीजों को हम लाए नहीं, वो जाए तो ले जाएंगे नहीं, ये प्रत्यक्ष बात है, जन्मे जब कोई भी बालक कुछ चीज लाया था क्या, और मरेगा तब ले जाएगा, शरीर भी यहीं पड़ा रहेगा, उसको भी लोग उठाएंगे, कुछ नहीं कर जाता है जो का तू छोड़ देगा, डांगा ही छोड़ दे, सुई भी ले जाता नहीं है, जो छोड़ देता है तो आप कैसे ले जाओगे, ले जाने की रीति है ही नहीं, आप नई रीति कैसे कर लोगे, कैसे बना लोगे,
सुनो है सुनने है वो ही हमारा है हमारा वो नहीं है हमारा नहीं है। एक जानना होता है एक मांगना होता है। परमात्मा जानने में नहीं आते हैं मांगने में आते हैं। परमात्मा को जान सको ऐसी हमारी जानने की जो शक्ति है वो शक्ति बहुत थोड़ी है। परमात्मा अपार अनंत है। इस बात से जानने की शक्ति के अंतर्गत परमात्मा नहीं आता। वो संसार की वस्तु सब जानने में आती है। जानने में आती है वो एक धागा भी हमारा नहीं है और मानने में आती है वो पूरा पूरा हमारा है। जानने में जितनी शक्ति आती है उनमें एक तिल भर चीज भी हमारी नहीं है। अब हमारी न मान करके व्यवहार में हमारी मानते हुए केवल संसार के उपकार में लगा दे तो उपकार में लगा देंगे वो लगाने का जो भाव है वो हमारे से जो त्याग होता है वो हमारा है। वस्तु हमारी नहीं है। लगाने जो लग जाएगी वो त्याग होता त्याग है हमारा। उसका संबंध विच्छेद वो संबंध विच्छेद हमारा है। ये वस्तु हमारी नहीं है और परमात्मा के साथ जो संबंध है वो हमारा है। हमारे प्रभु है। जैसे बालक अपनी माँ कहता है मेरी माँ है ऐसे मेरी माँ है वो परमात्मा वो हमारे है। वो अपने है अपने और ये संसार अपना नहीं है। पर संसार को अपना माने परमात्मा भूल गए। अपना नहीं मानना भी नहीं है भूल गए। और कोई गए तो कुछ पता नहीं कहता है परमात्मा पता नहीं है संसार हमारा है। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य मोह सवाया। जिसकी सत्यता से इसी सत्यता दिखती है। जैसे रस्सी की सत्यता से सांप दिखता है सांप तो सत्यता तो है रस्सी की दिखती है सांप में ऐसा है ही नहीं वहां। पर वो सत्यता स्वतंत्रता उस रस्सी में न रहकर सांप में दिख दी। ऐसे परमात्मा में सत्यता है इसमें है ही नहीं सत्यता। किसी क्षण में सत्यता नहीं है परंतु उसकी सत्यता दिख रही संसार में ही सत्यता दिख रहा है। प्रत्यक्ष अनुभव है सत्यता नहीं है नहीं प्रतीत होती है। प्रतीत होती है नहीं। इस वास्ते इसको न समझे इसको तो केवल उपकार के लिए केवल दूसरों की सेवा के लिए वो सेवा उसे करे वो सेवा उसे करे वो सेवा उसे करे किसी को अपनाने की चीज नहीं है। सबको यही है कि सेवा करे तो सेवा की सामग्री केवल क्यों सेवा की सामग्री हरे की सेवा करो बस वही अरे वो सुख पहुंचाओ। सुख पहुंचाने में जो त्याग वो हमारा है उसमें जो त्याग है आनंद है वो हमारा है। वो ये ग्रहण करने का आनंद ये हमारा नहीं है। ये धोखा है वहम है ये रहेगा नहीं। साथ में कोई चीज रहेगी नहीं चलेगी नहीं। साथ में कोई चीज भी रहेगी नहीं साथ चलेगी नहीं। क्षण मात्र भी क्षण छूट सब की सब छूटेगी। वो छूटेगी तो उसे फायदा नहीं होगा। छोड़ोगे तो निहाल हो जाओगे। छोटे कुछ नहीं मैंने मेरे से कोई कल्याण होता है। सब चीज छूट जाती है सबकी सब छूट जाती है। एक धागा ही नहीं रहता अपने पास में पर मेरा फल नहीं होता
और त्याग कर दोगे, छोड़ दोगे, दूसरों की सेवा में लगा दोगे तो न्याल हो जाओगे। त्याग हो जाए, त्याग कर दोगे तो त्याग अपने साथ चलेगा। सर जिन चीजों का संबंध विच्छेद है, वो संबंध विच्छेद है, वो बनिया रहेगा। इनका संबंध है वो बांधने वाला है। जड़ चीजें नाशवान होती हुई आप कुछ तक नहीं करते, इसका संबंध माना है, संबंध टूट जाएगा तो दुख पाएंगे। इनका संबंध छोड़ दिया ध्यान पाएंगे। वो पीते से त्याग करना होगा। साधु हो जाए तो त्याग कर दिया, घर का त्याग कर दिया, स्त्री का त्याग कर दिया, माँ बाप भाई सुंदरी कुटुंबी त्याग कर दिया, और दूसरा स्थान मानेगा, दूसरा मान दूसरा मान लिया, क्या फायदा उसे? इसको छोड़ा उसको पकड़ता, उसको छोड़ा उसको पकड़ दिया। ये तो शरीर में हरेक में पड़ता है। पशु शरीर छोड़ा, मनुष्य शरीर पकड़ दिया, मनुष्य शरीर पड़ा, पेड़ शरीर पशु पशु पकड़ दिया। वो तो वैसे आगे वैसे ना, उसे संबंध विच्छेद कर दिया। गृहत में बैठे हैं, गृहत में बैठे हुए भी समझ में हमारी चीज नहीं है, हमारी नहीं है, हमारी नहीं है, संबंध विच्छेद कर दिया, ज्ञान हो गए, बैठे उसी में सब। अभी आप इस मकान में बैठे हैं, आराम इसका दे रहे हैं, प्रकाश ले रहे हैं, दरी बिछाई उसे बदला रहे हैं, शीत घाम से रहित हो रहे हैं, सब आराम ले रहे हैं, पर मकान को अपना नहीं समझते। अपना नहीं समझते, यही विद्या तो आपको आती है। अब यही विद्या काम ले ले सब जगह। क्या बाहर से कहते हैं कि ये मकान हमारा नहीं है? कहते नहीं, परंतु भीतर से जची हुई भीतर है कि ये मकान हमारा नहीं है। ऐसे भीतर की बात जच जाए कि संसार में सब चीज है, हमारी नहीं है, हमारी नहीं है, हमारी मानो का हज क्या हुआ है। जैसे गाड़ी पर जाते हैं और नीचे उतर के जलवाते गए, उसे आप ही गाड़ी मार गई, मैं भी इसमें हूँ, आपकी मिट्टी कौन से, वो गाड़ी वो हमारी है, वो हमारी है, हमारी कहते हैं, पर बेटे में जानते हैं हमारी नहीं है, हम चढ़े हैं इसमें, इसमें आए हैं, इस बात में हमारी कहते हैं। छोटे बच्चे कभी याद नहीं करते उम्र भर में, यदि सारी गाड़ी में वो ठेक नष्ट हो गई, वो कहाँ है नहीं है, परवाह ही नहीं, दस्ट होगी तो परवाह नहीं, है तो परवाह नहीं, हमारे मतलब नहीं। अगर इससे संसार में ऐसे मानव है तो अंधियार हो जाए, रहे तो मौज नवे जावे तो मौज, नष्ट हो तो मौत, प्रति हमें मतलब क्या है, हमारे साथ संबंध नहीं है। और बात ऐसी है, वास्तव में आपके साथ संबंध नहीं है, आपके साथ संबंध नहीं है, पर जो मान रहे हैं आप स्वीकार कर रहे, हमारे साथ समझ नहीं है। तो आज ही मौजूद, आज ही, आज ही जैसे इस घर में बैठे हैं, इस घर को अपना नहीं मानते, ऐसे जिस घर में रहते हैं उस घर को अपना नहीं मानते। अपना नहीं मानने से क्या खराब करते हैं, क्या इसको नष्ट करते हैं, क्या इसका नाश चाहते हैं? नहीं चाहते ना नाश करते, इस तरह से उठ गए। हमारा नहीं है, हमारा तो भगवान केवल परमात्मा है, वो हमारे हैं, ये हमारा नहीं है, हमारा नहीं है। ये बात सच्ची रहेगी, यही रहेगी। इस शरीर से पहले किस शरीर में थे और किस कुटुंब को अपना माना था, आज याद नहीं है, ऐसे याद ही नहीं लगे। सुपना सो हो जाओ, सुत कुटुंब धर धाम,
जब सपना आ जाए और सपना नींद खुल जाए और सब रेडी हो जाता है। ऐसे सपना जो हो जाए उसी सतकुटुम धाम हो सचे देव नींद से जब ईश्वर का नाम ये मनुष्य फिर नहीं हुई। ये मनुष्य शरीर में खामोश रहा है ये समझ सकते है। और प्रत्यक्ष बात है साधु हो जाता है वो बिल्कुल छोड़ जाता है। आप में कोई दूसरे के गोद चला जाता है तो जो गोद चला जाए उसके उन्नति उन्नति उनकी अवनति अवनति जिससे गया वो शरीर मर जाए सब धन चला जाए तो परवाह नहीं। जैसे गोद चले गए जिससे अपनी कन्या दूसरे वंश में चली गई इस वंश को याद नहीं करती दादी परदादी होगी वह बूढ़ी माजी हो गई है तो याद नहीं होती। जो जीते जी ऐसे याद न करे याद ही अपना शरीर है अपना है अपना क्या करवाना है। गाड़ी में जाते ये अपनी गाड़ी है हमारी गाड़ी है ये आपकी गाड़ी है ऐसा हम कहते हैं कहते हुए भी मानते नहीं अपनी। इसी तरह संसार के साथ में रहे ये अटकल तो आती है आपको ये अटकल तो आती है इस अटकल का मन हुआ अपनी हो अपनी है सब वैसा क्या वैसा बर्ताव करे पर भीतर से अपने नहीं है। अब आज इनमें बर्ताव करने में ये खराब थोड़ी करते हैं कपड़ा खराब करते नहीं दीवार खराब करते नहीं वित्त बत्ती खराब सब ठीक है सब वो ठीक सोचते हुए भी अपनी नहीं है। ऐसे संसार में अपनी चीज नहीं है छोड़ जाना पड़ेगा पीछे नाम ही पता नहीं है नाम मात्र का पता नहीं कहाँ वो रहे कहाँ ही रहे तो अंत ही तो तजेंगे पामर तू न सजे अब ही ते मन पस्ते हो प्राणी अवसर बीते अंत ही तो तजेंगे पामर तू न तजे अब ही ते पीछे छोड़ा था अपने अभी से छोड़े अभी से गाड़ी को हमारी कहते हैं ऐसे शरीर को हमारा कहते हैं इस कुटुंब को हमारा कहते हैं कोई गलत नहीं परंतु भीतर से नहीं लेना चाहिए। लाखों रुपए होए तो मौज है लाखों चले जाए तो मौज है और ये आप में बीती है। रामनारायण जी ने कहा भेष खेत में काम करते थे पूरी खान में रोटी नहीं ऐसी दशा ही हुई लाखों रुपये करोड़ों रुपया कर रहे ऐसी अवस्था हुई हुई ये तो सुनाया नहीं सुनाया। और पैसा फिर कुछ नहीं होने कुछ नहीं गया ये होता रहता है ये तपाशा है सूर्योदय होता है अस्त हो जाता है अदय हो जाता है प्रकाश हो जाता है ये होता रहता है क्या इसमें राजी हो क्या नाराज हो बात इतनी है। आपने कहीं देखा होगा क्यों मेरे को कह दिया क्यों नहीं कहा इतनी बात है होता सब में है संयोग वियोग संयोग वियोग और परमात्मा का सदा ही संयोग वियोग होता ही नहीं कभी होगा ही नहीं हो सकता ही नहीं कभी वो है हमारे ये संयोग तो हमारे नहीं वियोग तो हमारे नहीं मौज है आनंद है तमाशा है खेल है होता रहता कभी
देखो निरपक हुए तमाशा, निरपक हो गए तमाशा देखो, निवृत मत हो इससे ना अहंकृत हो भाव बुद्धि के संलिप्त है, अहंकृत भाव नहीं बुद्धि लिप्त नहीं है, तो भी ये मानना होगा ना अहंकृत न भी देते पाप में कुछ नहीं करेगा, शांत आनंद आनंद कोरा आनंद 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 प्रत्यक्ष बात है। अपन मोजी मोजी सदा दिवाली संत के आठ उपकरण पहली और पीछे देखे तो ये संत पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा, वर्तमान में नहीं रहेगा, मोह है मोह, पास सत्य यू मोह सहाया, मोह की सहायता मिलती ऐसे मानते रहे आनंद धनी आता है जाता है, ये पदार्थ आते हैं जाते हैं, जन्मते हैं मरते हैं जाते हैं आते हैं, यही होता ही है, यही नई बात क्या हुई, कोई मर जाए तो नई बात नहीं हुई, जन्म जाए तो नई बात नहीं हुई, होता ही है, होता रहे अपने मर जाए हरदम आनंद रहेगा, हरदम लाखों करोड़ों रुपया हो जाए तो वही आनंद है, अरबों रुपया हो जाए तो आनंद है, ऐसी कोई नहीं होती आनंद है, होने पर भी कोई संबंध नहीं और न होने पर भी कोई संबंध नहीं, होने पर संबंध हो गया भाई हरदम हाथ पास रहेंगे, भगवान की ये सब चीज है, भगवान की मौज मौज है हमारी, दुख दुख है दूसरे का, अब दुख दुख तो अपना और मौज मौज दूसरे, नारायण नारायण।